आज हम सर्किट टेक करने जा रहे हैं हीरपुरा से दुबजन, राय नहीं रखा। हीरपुरा के खूबसूरत मार्केट से निकलकर काउकोल से खरामा खरामा काफिला सख्त जा शाकूट के गने आसमां से बातें करते फिर के दरख्तों के बीच चोर गली के मुकाम से हमारे एक दर्जन मुहिम जुओं से जैसे बेदार हुआ। जिस जगह हम खड़े हैं इस जगह का नाम चोर गलिया है। मेरे बैक साइड पे जो आपको स्नो कैप्ड माउंटेन दिख रहा है शिनमई पीक है। ये वाली जगह कूला है, लोकली पहाड़ी इसको कूला कहते हैं और कश्मीरी हम इसको कनवाई कहते हैं। बैक साइड पे ये जो बर्फ से बड़ी पहाड़ है इसका नाम है टोपी। पीछे वाली रिज वाइट कलर ये ब्रह्मा सकली पीक्स है ब्रह्म सकली और एंड पे जो रिज है ये सुंदर टॉप है एंड वाली रिज। और सुंदर टॉप बानिहाल और डिस्ट्रिक्ट कुलगाम की बाउंड्री लाइन है। ये ब्रह्मा सकली रियासी और कुलगाम की बाउंड्री लाइन। अगर मैं अपना फ़ोन इस साइड घुमाऊँ ये यहाँ से हमें जाना है रायनीरा, रायनूर हम इसको कश्मीर में कहते हैं लोकली। तो वो वाली माउंटेन रिज डक्यार पीक और इसके दामन में बुजुल एरिया तहसील बुजुल पड़ता है। जनाब ये यहाँ पे कहवा है कश्मीरी कहवा है ये देखें बिल्कुल देखते ही देखते कूला जिसे कश्मीरी में किनवाई भी कहते हैं दिल फरेब और सहरजदा नज़ारों से हर देखने वाले को दुनिया से बेगाना कर देता है। रायनीरा जो वादी का सबसे बड़ा मैदान यहाँ से सिर्फ 30 मिनट के फासले पर है। पहुँचते ही नाला विशो नाला रिम्ब्यारा और नाला रोमशी बल खाते हुए जुल्फ़े गिराकीर की तरह संगम जहाँ जहलिम से मिलते हैं दिखाई देते हैं। अब बड़गाम की शिनमैन पुंछ की तत्ताकूटी शोपियान जिला की सनसेट पीक गांदरबल की हरमुख श्रीनगर से महादेव इस्लामाबाद अनंतनाग से कोलाहाई कुलगाम और बानिहाल के दरमियान सुंदर टॉप कुलगाम से ही ब्रह्मसकली शोपियान और बुदुल राजौरी के बीच डकियार की चोटियां नज़ारे को चार चांद लगा देते हैं। रायनीरा इससे पहले भी मैं काफ़ी बार आ चुका हूँ लेकिन आज का वाइट आउट देख के काफ़ी मज़ा आ रहा है। बस एक चीज़ की दिक्कत हो गई,
जो व्यू यहाँ से साउथ कश्मीर और कुछ हिस्से सेंट्रल कश्मीर के दिखते हैं, वो आज वाइट आउट की वजह से नहीं दिख रहे। ऐसा लगता है जैसे ये मनाजिर सदियों से किसी दीदावर की तलाश में हर देखने वाले को सहर सदा कर देते हैं। अपनी खामोश शिफा प्राणायों से कदम कदम पे दावत नजारा ही नहीं बल्कि कश्मीर वादी के अतराफ व अकनाफ का गायर मुताला करने पर उभारता है।